अप्सरा कश्यप इस समय हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। अप्सरा कैसी हैं आप? अप्सरा जैसी लग भी रही हैं वैसे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हमारे सभी देसी भारत के सभी श्रोता, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आप लोग इसे बहुत सारा प्यार दें और इसे ऐसे ही पसंद करते रहें। अच्छा, अप्सरा के बारे में बता दें आपको कि आजकल एल्बम्स बहुत ज़्यादा कर रही हैं। रत्नाकर कुमार जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड वाले, उनके बैनर तले एक गाना रिलीज़ हुआ है जिसमें तीन हीरो तीन हीरोइन, पहली बार इतना भव्य सॉन्ग बना हुआ है। तो आपको कैसा लगा, पहले खुद ये बताएं कि गाने में छः छः आर्टिस्ट और सात शिल्पी राज को लेकर? क्योंकि हम लोग जो शूट करने गए थे, हम लोग एक्चुअली पंख मूवी की शूटिंग करने दुबई गए थे। सो उसके साथ साथ हम लोगों को गाने भी करने थे। सो लास्ट डे हम लोगों ने प्लान किया, लास्ट डे ऑफ शूट आफ्टर 15-20 डेज़। सो उसमें मैं काफ़ी टैंड भी हो गई हूँ बिकॉज हम लोग धूप में शूट कर करके काफ़ी टैंड हो गए थे। सो हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ अलग किया जाए, तो सभी को एक साथ मिला के क्यों ना किया जाए। सो जस्ट वी डिड और वो काफ़ी पसंद आया लोगों को। काफ़ी डिफरेंट मसाला। सबसे अच्छी जोड़ी आपको खुद की लगी, श्वेता की लगी या माही? सबकी जोड़ी बहुत अच्छी है, मेरी विजय चौहान जी के साथ ही। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड? अब अपनी अपनी तारीफ नहीं कर सकते ना। सेकंड वाला बता दो। हाँ, सभी की सब नंबर वन, एवरी वन नंबर वन। अच्छा ठीक है, तो जाते जाते एक ये बताते जाएं कि इस समय फिल्मों से काफ़ी दूर हैं आप, क्या वजह रहेगी? दूर नहीं, एक्चुअली अभी कुछ मेरी प्लानिंग चल रही है और मैं हिंदी की तरफ भी लाइक वेब सीरीज़, अमेजोन मिनी, ये सब के लिए कुछ प्लान कर रही हूँ, और अपने भोजपुरी के लिए मैं अच्छे प्रोजेक्ट कर रही हूँ। सो काफ़ी सेलेक्टिव एंड काफ़ी क्वालिटी वर्क, सो इस वजह से थोड़ा रुक के सोच समझ के। पिछली बार आपने सुपरस्टार अक्षरा सिंह को लेकर कुछ बातें की थी जिसके बाद काफ़ी घिराव ट्रोल का सामना आपको करना पड़ा। प्लीज अगेन यू आर डूइंग समथिंग। उसके बाद से कुछ परेशानी समस्या? और ये हमेशा कुछ ना कुछ जरूर करते हो। परेशानी तो थोड़ी बहुत हुई, जैसा कि आप इतनी बड़ी सुपरस्टार है, हमारी इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेसेस है और हम लोग अभी जस्ट आए हैं इस इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियस उनके जितने फैंस हैं वो लोग तो काफ़ी मुझे ट्रॉल काफ़ी कुछ बोला, लेकिन इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर, हम लोगों का वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है ये ट्रॉलिंग एंड एवरीथिंग। एंड मुझे जो दिल से लगता है मैं वही बोलती हूँ, मुझे कोई शो ऑफ या बनावटी बातें करने नहीं आती है। सो मुझे जो उस वक्त लगा मैंने वो कहा, बट आई रिस्पेक्ट, नो आई मीन्स या आई नेवर मीन्स, मुझे कभी भी वो बॉदर नहीं होता किसी चीज़ को, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करती, मेरे दिल से जो आता है मैं बोल देती हूँ, आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर। और यही वजह है कि अप्सरा कश्यप आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। खैर दोस्तों, आपको बताएं आज बहुत बिजी शेड्यूल है और अप्सरा का फर्स्ट परफॉर्मेंस है, तो क्या है, कैसा परफॉर्मेंस है ये परफॉर्मेंस है जिसमें मैं बॉलीवुड कर रही हूँ, अपनी भोजपुरी कर रही हूँ, साउथ के सॉन्ग्स कर रही हूँ, एवरीथिंग मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, एंड वो देखकर पता चलेगा। बाद में आप वीडियो शेयर कीजिएगा दर्शकों से, तो वो लोग बताएंगे कैसा होगा मेरा डांस। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अप्सरा कश्यप हमसे बात कर रही हैं, और कुछ पूछना तो कमेंट में लिखिएगा। यस, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।